1, 2, 3. What's up guys, कैसे हो? Welcome to Proper Vlog. This is रवि सेगर आजाद. आज का व्लॉग गाड़ी से शुरू हो रहा है और अभी हम लोग जा रहे हैं हम अपने एक सब्सक्राइबर से मिलने के लिए. आपको बताए थे, आप इंस्टा फॉलो करते हो तो आपको पता हो, एक हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं हमसे मिलना चाह रहे थे और फाइनली वो दिन आ गया. बाकी सब बढ़िया है. फाइनली यही है जो हमसे मिलना चाह रहा है. नाम है भाई मेरा और मैं रवि भाई से मिलने आया हूँ दिल्ली से, खासकर इसी भाई से मिलने आया हूँ. भाई के लिए मैं कुछ लेके आया हूँ तो मैं भाई को देना चाहूँगा. ये मैंने खुद बनाया भाई के लिए. थैंक यू सो मच ब्रो, थैंक यू सो मच. एक नाम क्या करें अभी? अभी ओपन करके देखो. अभी ओपन करके देख लिया जाए ना. हाँ बिल्कुल. चलो इसी बात पे अभी ओपन करते हैं. 1, 2, 3. टेंटना. एक नंबर यार, एक नंबर. मजा आ गया. क्या बात है, ये तुम बनाए हो? 3 दिन लगे मुझे बनाने में. अरे यार सही है यार. यही वाला थंबनेल डाला जाएगा. इसको बैग में रखो, इसको फेंकना नहीं है. ठीक है, कचरा ना फैलाए. बिल्कुल एक नंबर. एक मिनट, एक मिनट, एक तस्वीर ले ही लो थंबनेल के लिए. इतना मोहब्बत, इतना प्यार भाई के लिए. हमारे लिए इतने कम सब्सक्राइबर्स में भी और क्या चाहिए. यही वाला फोटो है गाइस, ये देखो. आपने देखा होगा हमारे इंस्टाग्राम, यहाँ पे हैंडमेड, मेड बाय नीतीश राज. थैंक यू सो मच एक बार फिर से. रवि भाई से मिलके अब दिल को सुकून मिला है. मैं बहुत दिनों से परेशान था कि रवि भाई से मिल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई कांटेक्ट नहीं, ओनली इंस्टाग्राम था. उसी के थ्रू मुझे मिलना था और मैं घर से ही मैसेज करते हुए आ रहा हूँ कि भाई मुझे मिलना है, आज मिलना है, क्योंकि कल मेरी ट्रेन है और कल मैं दिल्ली चले जाऊँगा. इसलिए रवि भाई से मुझे आज किसी हालत पर मिलना था, चाहे पूरे दिन लग जाते मुझे मिलने के लिए, लेकिन भाई से मिल के जाता मैं. बस बस बस, हो गया. देख रहे हो ना, कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है लेकिन इंस्टाग्राम से ये हमसे मिल लिया. तो इंस्टाग्राम से आप समझ रहे हो कि हम एक्टिव तो रहते ही हैं और साथ ही साथ आपको रिप्लाई देते हैं और आपसे मिलते भी हैं. अच्छा, इसके साथ और भी एक दो दोस्त है जिससे हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं. आ जाओ इधर भाई. मेरा नाम आबिर कुमार हुआ. एक नंबर. मेरा नाम रोहित कुमार हुआ. नंबर. एक नंबर बोलना तो बहुत ज़रूरी है. और हमारे साथ है ये अभी से एक, यही अभी कैमरा होल्ड कर रहा था जब हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे थे अपने गिफ्ट का. और गिफ्ट रियली में बहुत ज़बरदस्त है, एक नंबर है. जितना भी तारीफ किया जाए कम ही है. और भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा. अगर मैं बाय डिफॉल्ट कभी किसी और दिन आऊँगा तो भाई से ज़रूर मिलूँगा. ज़रूर ज़रूर. चलो तुम्हारी जर्नी सेफ रहे और हैप्पी जर्नी रहे. देखो कहाँ पर हमारा मीटिंग हो रहा है, ये देखो लजीज पिज़्ज़ा. हम लोग कह रहे थे कि अगर अभी लॉकडाउन नहीं रहता तो हम लोग अभी बैठ के पिज़्ज़ा खाते. बिल्कुल बिल्कुल. और इसका तो मन था तंदूरी चाय पीने का और साथ में ज़रूर पीते यार, तंदूरी चाय मेरा फेवरेट है, आप लोग को भी पता है. बिल्कुल बिल्कुल. चलो कोई नहीं, लॉकडाउन ख़त्म होगा, नॉर्मल डेज आएगा, नेक्स्ट टाइम आराम से हम लोग सब कुछ करेंगे. सो गाइस फाइनली अब निकलने का वक्त है. इन लोग भी जाएगा अपना घर और हम भी जाएंगे अपने घर. ब्लॉग को आगे भी कंटिन्यू करना है. बाकी फिर चलो नीतीश, मिलते हैं. बाय. अच्छा लगा भाई मिलके. एक नंबर. चलो अच्छा लगा तुमसे भी मिलके भाई. ठीक है, चलो मिलते हैं फिर. ठीक है, मिलते रहना. ओके ओके. चलो भाई, थैंक यू सो मच नीतीश एक बार फिर से फॉर दिस लवली गिफ्ट. बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार आप लोग फिर से देख लो गाइस. ये देखो बहुत ही प्यारा गिफ्ट है गाइस. हम अभी घर जाएंगे तो इसको अपने रूम में अच्छे से लगाएंगे और देखते हैं कहाँ पर लगाना है. वैसे रूम में तो मेरा फोटो वगैरह भरा हुआ है. अब गिफ्ट मिला है तो किसी अच्छे जगह, खास जगह पर लगाना पड़ेगा कि जहाँ पे हम वीडियो बनाए तो ये पीछे दिखे. और क्रिएटर के लिए ये वाला जो मोमेंट होता है ना गाइस, बहुत ही खास मोमेंट होता है. और आज वो खास दिन आज है मेरे लिए, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया.
चलो चला जाए। Looking on my back and you are still the same. I try to figure out why you can't tell the same. And I know when you know all the things I made us. My feelings for you don't go. Finally guys, हम घर आ गए और ये जो हमारे हाथ में आप गिफ्ट देख रहे हैं, एक बार फिर से देख लो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब क्या ही बोले यार, दिस इज़ मोटिवेशन। अब हम इसको लगाएंगे। वैसे तो हम सोचे थे इसको लगाने के लिए ऐसा जगह कि जहाँ पर अगर हम वीडियो शूट भी करें ऐसे करके, जैसे अभी हम शूट कर रहे हैं तो ये पीछे आए, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई जगह है नहीं। तो एक जगह है जहाँ पर हम सोचे हैं इसको रखने के लिए। देखे गाइज, यही है नज़ारा आज का बिहार शरीफ का। आज जब सुबह हम नीतीश से मिले तो मौसम तो एकदम मस्त था, लेकिन अब भी देखो, अब भी समय हो रहा है 3:43 और अब भी का जो मौसम का हाल है वो कुछ ऐसा है। ये देखो, ये हमारा बिहार शरीफ का यहाँ पे हो गया आदित्य विजन, जो कि लॉकडाउन में अभी बंद पड़ा है। ये देखो, ये है रोड पर का कुछ नज़ारा। ये देखो, एकदम से मूसलाधार बारिश हो रही है और एकदम से मज़ा आ रहा है। ये देखो, बारिश की बात करें गाइस तो बिहार में आपको पता है 4 दिन से बारिश हो रही है लगातार। ये देखो गाइस, ये है आशा नगर का। ये देखो गाइस, ये हॉस्पिटल मोड़ का ये हाल हुआ हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये एक दिन की लगातार बारिश में पूरा नदी बन गया है रोड। ये जो मोहल्ला है इसका नाम है भैंसासुर, और ये चली जाती है डायरेक्ट, ये रोड जो है पोस्ट ऑफिस मोड़ के पास चली जाती है। और इधर का हाल देखो, क्या ही हुआ हुआ है। देखो जी देखो, कहीं मेरा गाड़ी डूब नहीं जाए। गजब का भर गया है यार, गजब का, गजब का भरा हुआ है। गाइस वीडियो में बस इतना ही। और ये जो हमारे पीछे आप पौधा देख रहे हैं, ये हम अपने रूम में लगाए हैं, तो किसी ना किसी ब्लॉग में आपको हम अपना रूम का भी छोटा सा टूर करवाएंगे, दिखाएंगे कि आपको किस तरह से हम अपने रूम को पौधा से डेकोरेट किए हैं। बाकी सब बढ़िया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय। एक नंबर। शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना कभी मत भूलना। थैंक यू सो मच।